दुनिया में जहां कहीं भी कोई इदारा कायम किया जाता है या कोई तंजीम बनाई जाती है तो उसके पीछे कोई वजूहत या मकसद होता है। ये इदारा जो हम कायम कर रहे हैं इससे हमें क्या हासिल करना है, इसके क़याम में हमारे क्या मकासिद हैं जो हम इस तंजीम से इदारे से हासिल करना चाहते हैं। इसको कहा जाता है कि किसी तंजीम के ये अफराद मकासिद हैं। वह अफराद मकासिद फनाई हो, तामीरी हो या तख़लीक़ी हो। बहुत सी जमातें ऐसी भी होती हैं उनके अफराद मकासिद में यही बात होती है कि हमें तख़लीक़ फैलाना है। इससे कोई तामीरी तंजीम का मकसद ये होता है कि हमें हर हाल में तामीर को सामने रखना है। इतनी भी मुश्किलात पेश आए हमें बार बार तामीर से लोगों को मुतारिफ कराना है और तामीर की तरफ लोगों को तरगीब देना है। अफराद व मकासिद के साथ साथ किसी भी तंजीम या इदारे के लिए जरूरी है इन मकासिद को हासिल करने के लिए कायदे और जाब्ते बनाए जाए। हम अपने किसी तंजीम से जो मकसद हासिल करना चाहते हैं उस मकसद को हासिल करने के लिए हमें किस तरह आगे बढ़ना है और उस आगे बढ़ने के लिए या अपनी तंजीम को मुतारिफ कराने के लिए क्या कायदे और जाब्ते बने जिन पर हम अमल करके आगे बढ़ते हैं। सलासिल का भी यही हाल है, मजाहिब का भी यही हाल है। मजाहिब में भी यही है, मसलन इस्लाम मजहब है। अब इस्लाम की अगर अगराज व मकासिद को समझा जाए या बयान किया जाए तो इस्लाम या किसी भी मजहब की अगराज व आयत और मकसद ये होता है कि इंसान को इस बात का इल्म हासिल हो जाए कि खालिक और मखलूक दो अलग अलग हस्तियों का आपस में रिश्ता किस तरह इस्तवार हो सकता है। ये किसी मजहब का मकसद ये हुआ कि मजहब ये चाहता है कि मखलूक और खालिक के रिश्ते आपस में इतने मुस्तहकम और मजबूत हो जाए कि मखलूक इस बात से वाकिफ हो जाए कि हम मखलूक हैं और हमारा बनाने वाला कोई खालिक है और खालिक इस बात को मखलूक पर वाज़े कर दे कि मेरे से मखलूक का ये रिश्ता है। और ये बात के इस रिश्ते को उस्तवार करने के लिए हमें कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, क्या तदाबीर अख्तियार करनी है, कौन सी बातों को छोड़ना है और कौन सी बातों को पकड़ना है, ये सब कवायद ज़वाबित में आएगा। तो इस्लाम के हवाले से अगर हम ये देखें
इस्लाम हमसे क्या चाहता है। तो हम ये भी बात कहेंगे कि इस्लाम सलामती का रास्ता है। सलामती के रास्ते पर चलाकर हर इंसान को खुदा नसीदा बनाना चाहता है, खुदा से मुतालिम कराना चाहता है, खुदा का दोस्त बनाना चाहता है वहां। और इस दोस्ती के लिए हमें उन बातों पर अमल करना होता है जिनका नाम हमने शरीयत रखा है, बेखवाद बात रखी है। मसलन ये कि मजहबी नुक्ता नजर से जब तक तौहीद हमारे सामने ना हो उस वक्त तक हम इस रास्ते पर नहीं चल सकते। मसलन अगर हुकूमत की बात हमारे सामने ना हो, हुकूमत की बात से हम वाकिफ ना हो, हुकूमत की बात का ख्याल ना रखते हो, तो हम सिराते मुस्तकीम पर कायम नहीं रह सकते। और सिराते मुस्तकीम इस रास्ते को हम कहीं नहीं सकते जिसमें हक तदबीर होती हो, जिसमें लोगों की दिल आजारी होती हो, वगैरह वगैरह। मुख्तसर ये कि हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए जरूरी है कि हम उस काम के गज़ो गैर और मकसद से वाकिफ हो, और इस बात का भी हमें इल्म हो कि इस मकसद को हासिल करने के लिए हमें क्या करना है। सिलसिले जितने भी हैं, सिलसिले जितने भी हैं, उन सब का बुनियादी मकसद यह है कि एक मुतायन रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंचा जाए। ये मुतायन रास्ता अंबिया अलैहिस्सलाम से नौ इंसानों को मुंतकिल हुआ। अंबिया अलैहिस्सलाम की तजद्दुद फिक्र के मुताबिक जिस रास्ते की निशानदेही हुई उसको तमाम मसाइल सिराते मुस्तकीम का नाम देते हैं। यानी ऐसा रास्ता जिसमें अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ता का बंदों की तजवीज शामिल हो। मसलन ये कि जब हम अंबिया की तजर शुक्र के बारे में तफक्कुर करते हैं तो वहां हमें एक ही बात नजर आती है, वो ये कि अंबिया हमेशा अपनी जात की नफी करके क्योर ऑफ अल्लाह सोचते हैं, क्योर ऑफ अल्लाह अमल करते हैं, अल्लाह के लिए जीते हैं, अल्लाह के लिए मर जाते हैं। पुराने शरीफ में भी अल्लाह आपने पढ़ा होगा कि मेरी हयात में मेरी ममात जो है अल्लाह के लिए। सिराते मुस्तकीम यानी वो तर्ज़े फिक्र, वो रास्ता जो अंबिया का रास्ता है, उस पर चलकर दीन की खिदमत करना, दीन की खिदमत करना यानी सिराते मुस्तकीम पर चलकर मकसद हासिल करना। अब ये सिराते मुस्तकीम पर चलकर मकसद हासिल करना या मकसद के हुसूल के लिए जद्दोजहद और कोशिश करना, इसका मतलब ये हुआ कि अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात
ये खुद ऋषराज होना और दूसरों को ऋषराज करना। अब इसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि आप पूरा बाहर से हैदराबाद का सफर करते हैं, सीधी सड़क है, पूरा बाहर से आपने गाड़ी स्टार्ट की और उसने शाबाज पूरा बाहर में आप पहुंच गए। एक जगह से आपने सफर किया, दूसरी मंजिल पर आपने ख्याल किया, लेकिन रास्ते में आपने किसी तरफ भी तवज्जो नहीं की। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो सफर किया, अगर एक घंटे तक आप सफर करते रहे, उस घंटे में जो आप मालूमात हासिल कर सकते थे, उस एक घंटे में आप जो रास्ते के नशेब फराज से वाकफियत हासिल कर सकते थे, वो आपने हासिल नहीं किया। तो दो बंदे मरकजी मुराबा कराची से हैदराबाद मुराबा तक पहुंचते, सफर का जरिया कोई नहीं हो, एक बंदा जाकर रास्ते की रुझान बताता है कि इसका रास्ते में इतने दरख्त थे, शिलाकारी हो रही थी, साया था, इतना गाड़ियों का रश था, इतने होटल थे, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था, वहां लोग खड़े थे, वहां मैं भी रुका, मैंने भी मदद की। दूसरा आदमी कहता नहीं साहब, मैं तो वहां से मैंने एक्सीडेंट दबाया और यहां पहुंच गया। तो इस सूरत में उस आदमी की ज्यादा अहमियत होगी कि जो रास्ते में रुका, उसने वहां किसी जख्मी को सहारा दिया, पानी पिलाया, रास्ते की जुजिया से वो वाकिफ रहा। तो अगर कोई बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके रूहानी मिशन को आगे बढ़ाता है, तो हैसियत उसकी भी है। लेकिन दूसरा बंदा तालीमात पर अमल भी करता है, रूहानी मिशन को फैलाता भी है, और साथ साथ सैयदना हुजूर अलैहि सलाम की ज्यारत से भी मुशर्रफ होता है, दरबार से भी उसका ताल्लुक है, वापस तक ही है। तो ऐसी सूरत में आप ये कहेंगे कि वो बंदा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से भी मुंसलिक है, मिशन के फलों में काम भी कर रहा है, वो ज्यादा काबिले तकदीर और काबिले इहतराम है जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत भी की और मिशन को फरोग भी दिया। तो सिलसिले आली अजीमिया का एक बुनियादी मकसद ये भी है कि जब हम अंबिया अलैहिस्सलाम की तर्ज फिक्र के मुताबिक सिरात मुस्तकीम पर गामजद होकर अंबिया की तालीमात को आम करने की जिद्दोजहद करें, तो उसके लिए यह भी जरूरी है कि हमारे अंदर वो नजर भी काम करे जो नजर बातिन में दिखती है, यानी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों में आदमी को महारत होनी चाहिए, ये कामयाबी होनी चाहिए। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फर्ज फरमाई अल्लाह के हुक्म से, तो हम तो काफी है भाई नमाज हम पढ़ रहे हैं, और ये बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि नमाज ख्वाहिशात और मुनकरात से रोक देती है, नमाज मोमिन को वो नजर अदा कर देती है जो नजर गैर की दुनिया में काम करती है। तो
हम वो नमाज कायम करेंगे कि जिस नमाज में हमें वो नजर हासिल हो जाए जो गैर की दुनिया में काम करती है, और वो नजर हासिल करने के बाद हम जिन तालीमात की बुनियाद पर हमें ये नजर हासिल हुई है लोगों में फैलाएंगे, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातिनी रूहानी इल्म को मिशन के तरीके पर फरोग देंगे। तो सिलसिला के अफराद मकासिद में एक मकसद ये भी है कि सिरात मुस्तकीम पर गामजन होकर जो कुछ हम करें हम उसकी हिकमत से भी वाकफियत रखते हों, सिरात मुस्तकीम पर गामजन होकर जब हम दीन की खिदमत करते हैं तो हमें दीन के बारे में मालूमात हासिल होनी चाहिए कि दीन है क्या। दीन एक तर्ज फिक्र है, यानी अंबिया की तर्ज फिक्र को दीन कहा जाता है। तो जब हमारे अंदर अंबिया की तर्ज फिक्र मुंतकिल होगी तो जाहिर है हमारे शब रोज हमारे आमाल सारे के सारे उसी कर्ज पर खुद बहुत उस्तवार हो जाएंगे जो हम कर्ज फिक्र है। और इसके लिए जरूरी है कि थ्योरी के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल भी हासिल हो। मतलब नमाज कायम करते हैं तो सबसे पहले हम हाथ उठाकर अल्लाह को ऊपर कहते और हाथ बांध देते। हाथ उठाना इस बात की अलामत है कि हमने खुद को सरेंडर कर दिया। अब निर्णय जब फौज के सामने कोई दुश्मन हथियार डालता है या अपनी शुरू का इतराब करता है तो हाथ खा लेते हैं, वे हमें नहीं लड़ना। हम आपके महबूब में आप हमारे हाथ। तो जब हम नमाज के लिए हाथ उठाते हैं इसका मफहूम ये बनता है कि हमने खुद को सरेंडर कर दिया। किसके लिए सरेंडर कर दिया? हम जुबान से कहते हैं कि अल्लाह अकबर है, यानी हम जुबान से इस बात का इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी को भी बड़ाई देर नहीं मिलती है, और वो अल्लाह जो सबसे बड़ा है उसके लिए हम खुद को सरेंडर, यानी हमारी जात की नफी हो गई, हम कुछ नहीं, जो कुछ है अल्लाह। जुबान से इकरार करना कि अल्लाह बड़ा है, हाथ उठा लेना कि हम सरेंडर करते हैं, उसके बाद हम हाथ बांध लेते हैं। हाथ बांध लेने का मतलब यह है कि हमने अल्लाह ताला के हुजूर इस बात का अमलन मुजाहरा कर दिया कि हम हाथ बांधे गुलाम हैं, हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है। तो एक नमाज तो ये हुई कि हमने अल्लाह अकबर भी कर लिया और हरम शरीफ भी पढ़ ली और रुकू भी कर लिया और सजदा भी कर लिया और सलाम भी कर लिया, हमें कुछ नहीं हुआ। एक नमाज ये हुई कि हमें इस बात का इल्म है कि हमने सरेंडर, हमें इस बात का इल्म है कि हमने अल्लाह की बड़ाई को इस तरह कबूल कर लिया है कि अब दुनिया में अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। हाथ बांधने का मतलब ये कि आजी और इंतजारी के साथ हमने इस बात का इकरार कर लिया कि हमारे हाथ बनेंगे, अल्लाह जो चाहे हमारा करे, हमने अपने इरादे से हाथ बांध लिए। अब अगर खुद को सरेंडर करने के बाद, अल्लाह को बड़ा मानने के बाद, हाथ बांधने के बाद हमें कोई और ख्याल आता है
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने झूठ बोला है, अपने आप को धोखा दिया है, ना हमने सरेंडर किया, ना हमने जबरदस्त होकर का अल्लाह की बड़ाई का इकरार किया, दिली कर दी। और जब हमने हाथ बांधे तो हमने हाथ भी बस ऐसे बांध लिए, दिखा भी दिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की तालीमात पर अमल करने में अगर बातनी निगाह या बातनी बस काम करे, या हमारी रूह शरीक हो जाए, तो उस वक्त हमारा हाथ उठाना, अल्लाहु अकबर कहना, हाथ बांधना सब मोतबर होगा। बसूरत दीगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन सच्ची बात यह कि खुद को धोखा दे रहे हैं। अब उसकी मिसाल यू है कि आप का कोई दोस्त है, अजीज है, उस दोस्त की आपको याद आती है। तो हर आदमी का ये तजुर्बा है कि जब उस दोस्त की याद आती है तो जहन में उस दोस्त के अलावा दूसरा कोई ख्याल वाली नहीं होता। उसमें 10 मिनट भी हो सकते हैं, 15 मिनट भी हो सकते हैं, घंटा भर भी हो सकता है। उस ख्याल में आदमी रो भी सकता है, उस ख्याल में आदमी हंस भी सकता है, उस ख्याल में आदमी बेचैन भी हो सकता है, घुटन भी हो सकती, सांस भी रुक सकता है, दिल की हरकतें भी हो सकती। और ये एक ऐसा अमल है कि जिससे हर शख्स तकरीबन वाकिफ होता है। मेरे दिल की लगी जाए बहुत बुरी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मखलूक का जो रिश्ता है उसके लिए जब आदमी बेचैन और बेकरार होता है तो उसका जहन यकसू हो जाता है। तो अगर अल्लाह के लिए आदमी सरेंडर भी कर दे, जुबान से इकरार भी कर दे, माई का हाथ भी बांध, और जहन में अल्लाह के तस्वुर के अलावा कोई और तस्वुर आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की है मखलूक से भी कम करने की है। ये वो अमल है कि जो बातनी निगाह के बगैर होता है। अगर इंसान को बातनी निगाह हासिल हो जाए, मतलब यह कि आपको बातनी निगाह हासिल हो गई, आपने अल्लाहु अकबर कहा, जैसी आपने अल्लाहु अकबर कहा आपने अपनी नफी कर दी, माहौल की नफी कर दी, हर चीज की नफी कर दी, हाथ बांध लिए, अब आपके सामने यह है कि एक रूह है जिसका आप ये कहते हैं कहना है। ऐसी सूरत में जब अल्लाह का नूर किसी के सामने आ जाएगा तो उसके जहन में किसी किस्म का ख्याल और वसवसा नहीं आ सकता। अब इसे आप पढ़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर सिर्फ दिल से अमल करके आपके रूहानी मिशन को फरेब देना, अपनी बातनी निगाह को बेदार करके ज्ञान से मुशर्रफ होना। तो जब बातनी निगाह बेदार हो जाएगी तो बातनी निगाह के बाद जैन दिन नहीं पड़ेगा और अल्लाह से आपको कुर्बत हासिल होगी। तो ये सिरात मुस्तकीम पर गामजन होकर दीन की खिदमत करने का मतलब यह है कि जब आप दीन का काम करें तो आपके अंदर इतना इन्हिमाक पैदा हो जाए कि आपका जहन किसी दूसरे काम की तरफ न जाए। और यह कोई ऐसी बात नहीं, हर आदमी को इस बात की प्रैक्टिस भी है। मसलन मैं मिसाल दिया करता हूं कि एक आदमी अकाउंटेंट है, जो वो हिसाब करने बैठता है उसके जहन में किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं आता हिसाब के अलावा। अगर उसके जहन में इधर उधर के ख्याल आते हैं तो कुछ दिन के बाद उसको मुलाजमत से फारिग कर दिया जाता है। इसी सूरत से आप कोई दिलचस्प नावल पढ़ते हैं तो ईशा की नमाज के बाद आप नावल पढ़ने बैठे, फजर की अजान हो गई, बड़ी हैरत होती है, अच्छा इतनी देर हो गई, अजान हो गई, सैलान गुजर गई।
अगर आपका कोई महबूब है या उस महबूब को आप याद करते हैं, बस आपका घंटों गुजर जाते हैं, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से फजर हो गई। वक्त का एहसास बिल्कुल इस तरह खत्म हो जाता है कि ये लगता है कि 10 मिनट जो है, 10 मिनट आदमी महसूस करता है जबकि 10 घंटे गुजर जाते हैं। इससे ये पता चला कि हर आदमी के अंदर ये सलाहियत न सिर्फ मौजूद है बल्कि वो इस सलाहियत पर अमल पैरा भी है। अब जब हम नमाज कायम करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर मानते हैं, अगर हमारे जहन में कोई और ख्याल आ जाए तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी प्रैक्टिस में जो बात है हम उसके खिलाफ भी करें और जो कुछ है वो जुबानी जो मखरज है उसका ताल्लुक हमारी बातें से नहीं है। सिलसिले आने अजीमिया चाहता है कि इंसान जब दुनियादारी में हो तो दुनियादारी के काम पूरी तवज्जो से की जाए, इंसान जब दीन पर अमल पैरा हो तो दीन पर इस तरह अमल पैरा हो कि फिर दुनियादारी ही उसके लिए कोई मुसाहिबत का सबब न बने। और जब ये सूरत होती है तो इंसान के अंदर यकसुई पैदा हो जाती है और यकसुई के साथ वो जब अमल करता है या मिशन के लिए बिल्कुल जैद कोशिश करता है तो उसे कदम कदम पर बातनी मुशाहदे के साथ अम्बिया अलैहिस्सलाम, अम्बिया अलैहिस्सलाम वादिस और या अल्लाह की अनुवाह का ताऊ मिलता है। मखलूक खुदा की खिदमत करना, मखलूक खुदा की खिदमत करना दरअसल अपनी ही खिदमत करना है। एक आदमी जा रहा है रास्ते में, कांटे पड़े हुए हैं, उसने रास्ते में से सड़क में से कांटे उठा दिए। ये भी तो हो सकता है कि कांटे उसने नहीं उठाए, रात को उसे उस रास्ते पर से गुजरना हुआ, वो कांटे उसी के छू गए। और ये कि आपने अगर कांटे उठाने के बाद किसी मुसाफिर के लिए ये अमल कर दिया कि उसको कांटे ना चुभे, ये भी आपके लिए अपना ही अमल है, आपने अपने इंसान भाई को ही बचाया। तो मखलूक खुदा की खिदमत करने की पहली बात यह कि मखलूक जब किसी मखलूक की खिदमत करती है दरअसल वो अपनी ही खिदमत करती है। मखलूक मखलूक है, कोई भी मखलूक हो। दूसरे ये मखलूक खुदा की खिदमत में चुके बराह रास्त अल्लाह ताला की सिफात काम कर रही है, अल्लाह ताला का वस्फ ही है कि वो अपने मखलूक की खिदमत करते हैं। इसलिए जब कोई बंदा मखलूक की खिदमत करता है तो दरअसल उसने वो काम शुरू कर दिया है जो अल्लाह ताला करता है। किसी से दोस्ती करने के लिए, किसी से हमनशीन होने के लिए, किसी से कुर्बत हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि वो शख्स जिससे आप कुर्बत चाहते हैं उसकी पसंदीदा बातों को अपनाया जाए। जब आप उसकी पसंदीदा बातों को या नापसंदीदा बातों को अपनाएंगे तो आपसे उसकी दोस्ती हो जाएगी। मतलब एक चोर से दोस्ती उस वक्त गुस्ताई कम होगी जब आप भी खुद भी चोरी करने लगे या चोरी को बुलाना कहे। एक शराबी से दोस्ती उस वक्त होगी जब आप भी खुद भी शराब पीने लगे। नमाजे का दोस्त नमाजी होता है, रोजेदार का दोस्त रोजेदार होता है, नेकोकार का दोस्त नेकोकार होता है। जब हम मखलूक खुदा की खिदमत का तस्करा करते हैं तो दरअसल हम बताना ये मकसूद है कि अल्लाह ताला का वस्फ ये है कि वो हर हाल में हमा वक्त अपनी मखलूक की खिदमत में मसरूफ रहते हैं।
और ये मखलूक की खिदमत अगर देखनी हो तो सबसे पहले इसका मुजाहरा माँ के पेट में होता है। माँ के पेट में 9 महीने तक वसायल के बगैर बच्चे की परवरिश में अल्लाह की मखलूक की जो खिदमत है उसका पूरा पूरा मुजाहरा होता है। यानी अल्लाह ताला में खिदमत करके उस बच्चे को माँ के पेट में निष्कुल हुआ दी, फिर वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद भी उसकी जिंदगी के लिए जितने भी वसाइल अल्लाह ताला ने पहले से पैदा फरमा दिए। यानी अल्लाह ताला का वस्फ ये कि वह हमा वक्त अपनी मखलूक की खिदमत करते रहते हैं। यानी यूं भी कहिए कि अल्लाह ताला का कायनात में सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल यह है कि वो अपनी मखलूक की देखभाल करते, अपने मखलूक को तहफ्फुज़ फराहम करते, अपनी मखलूक के लिए वसाइल पैदा करते। जब कोई बंदा अल्लाह की मखलूक की खिदमत को अपने लिए एक अमल बना लेगा और अपने लिए एक फर्ज करार दे लेगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसने वो काम करना शुरू कर दिया जो अल्लाह ताला करते हैं और जो अल्लाह ताला के लिए इंतहाई दर्जा पसंदीदा है। तो जब कोई बंदा अल्लाह ताला का पसंदीदा काम शुरू कर देता है और उस पसंदीदा काम में जहन भी अल्लाह ताला का होता है, यानी अल्लाह ताला जब अपनी मखलूक की खिदमत करते हैं तो अल्लाह ताला के जहन में बदला नहीं होता, अल्लाह के जहन में तारीफ नहीं होती कि खाम खे अल्लाह ने कहा जी मैंने तुझे पानी दिया तो मेरी तारीफ कर, या मैंने तुम्हें पैदा किया तो इसलिए पैदा किया कि तुम मेरी तारीफ करो, अल्लाह ताला इससे बिल्कुल बेनियाज है। तो जब कोई बंदा मखलूक की खिदमत सिला व सिताइश के बगैर बदले के बगैर करता है तो वो उसने वो काम शुरू कर दिया है जो अल्लाह ताला कर रहे हैं, और जब वो काम शुरू कर दिया जो अल्लाह ताला कर रहे हैं तो अब ये जरूरी हो गया कि अल्लाह ताला के साथ कुर्बत हो जाएगी दोस्ती में। बिल्कुल वो मिसाल नमाजी की हो जो मैंने आपको दी बाबों के सामने। चौथा यह है कि इनमें दीन के साथ साथ लोगों को रूहानी और साइंसी उलूम हासिल करने की तरगीब देना। इतने भी अंबिया अलैहिस्सलाम 124,000 इस दुनिया में तशरीफ लाए उनकी जिंदगी के बारे में जब भी आप गौर करें तो ये बात लाजमन आपके सामने आएगी कि अंबिया ने उलूम का प्रचार किया। किताबें नाजिल हुई, सहायक नाजिल हुए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाज़िल हुआ, हुजूर ने फरमाया कि हर मुसलमान मर्द हर मुसलमान औरत इल्म सीखना फर्ज है वगैरह। तो इल्म दीन यानी अंबिया की जो तर्ज फिक्र है उसको फैलाने के साथ साथ सिलसिले आलिया दुनिया के जिम्मेदार अफराद के ऊपर ये लाजिम है कि वो मौजूदा दुनिया में राइज उलूम को सामने रखकर बातनी उलूम लोगों को सिखाए और उसका दिल के साथ ताल्लुक कायम करें। मसलन अब हम ये कह देंगे अगर रूह है तो सब कुछ है, रूह नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आदमी के अंदर से रूह निकल जाए तो आदमी नमाज भी नहीं पढ़ सकता, रोजा भी नहीं रख सकता, आदमी अल्लाह की मखलूक की खिदमत भी नहीं कर सकता, आदमी किसी को पानी नहीं पिला सकता। तो अब ये लोगों की खिदमत करना, हुकूमत की बात पूरी करना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, सबका खैरात करना, ये सब दीन है। लेकिन ये दीन काबे रूह
अगर जिस्मानी वजूद में रूह नहीं होगी तो आप ना नमाज पढ़ सकते हैं, यानी दीन की तकमील भी उसी वक्त मुमकिन है कि जब आपके मादी वजूद में रूह मौजूद हो। लोगों को इस बात की तरगीब देना कि सब कुछ मादी वजूद ही नहीं है, बल्कि मादी वजूद कुछ ही नहीं है, मादी वजूद का कयाम रूह के ऊपर है। रूह जब तक है तो तकरीर भी है, तामीर भी है, इबादत भी है, बगावत भी है, नफरत भी है, मोहब्बत भी है, और रूह अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो अल्लाह की मखलूक को इस बात की तालीम देना कि दीन की तकमील भी जब ही होती है कि जब आदमी अपने अंदर रूह से वाहियत हासिल कर ले। साइंस से उलूम हासिल करने की तरकीब देना ये इसलिए कहा गया है कि जमाना तरक्की पसंद है। जो बात आदम के जमाने में थी वो दूसरे पैगंबरों के जमाने में नहीं हुई, जो हजरत ईसा के जमाने में नहीं थी वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नजर आई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो रूह हमारे पास महफूज थे और हैं उनकी तशरीह मौजूदा दौर के उलूम से ज्यादा आसान है, ज्यादा समझ आए। इसलिए हमें दीन के उलूम के यानी अंबिया की तर्ज फिक्र के साथ साथ बातनी उलूम पर नजर रखते हुए, बातनी उलूम को हासिल करते हुए मौजूदा दौर में जो उलूम राइज है उनको भी सीखना सिखाना और उनकी रोशनी में रूहानी उलूम की और दीनी उलूम की तरफ लोगों को मुतवज्जेह करना। ये इसलिए कि अब जैसे इस जमाने में कंप्यूटर है, टीवी है, कोई आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि कंप्यूटर और टीवी की वजह से जहनियत रखा हुआ है। तो अगर आप टीवी और कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते तो इसका मतलब है कि जहनी इर्तका आपका कम है उन लोगों के नस्बत जो टीवी और कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानते हैं। तो जहनी ही इर्तका कम है तो आप अपनी बात को मौसर अंदाज में दलील के साथ लॉजिक के साथ बयान नहीं कर सकते। तो अब जब आप साइंसी उलूम हासिल करने की तरगीब देंगे तो इसका मतलब ये कि आप खुद भी सीखेंगे। तरगीब तो जब देंगे जब आपको उस बात उस वो जिन जो आपको भी आता हो तो सिलसिले अजीम यहां ये चाहता है कि अंबिया की तर्ज फिक्र को आम करने में फैलाने में जो हम रास्ता मुतयन करें, जो तरीकाकार इख्तियार करें उसमें लॉजिक हो, दलील हो, बातनी उलूम की निशानदेही हो, उलूम के बारे में मालूमात हो और साथ साथ साइंसी उलूम से जो जहनी इर्तका हुआ है उसकी इर्तका को मद्देनजर रखते हुए अपनी बात आगे बढ़ाए ताकि आदमी आसानी से उसको समझ सके। पांचवा है लोगों के अंदर ऐसी तजर्बी पैदा करना कि जिसके जरिए अपनी रूह और अपने अंदर की रूहानी सलाहियतों से बाखबर हो जाए। वो तो वही पहले इसमें आ गया चार में तजर्बी पैदा करना, मतलब ये कि इंसान को इस तरह मुतवज्जेह कर देना कि उसके जहन में मादी वजूद रूहानी वजूद का जो तकाबुली जायजा है वो सामने और वो इस बात का यकीन कर ले कि मादी वजूद आर्जी है, फिक्शन है, पानी है, जबकि उसके अंदर रूह है न वो पानी है न वो फिक्शन है। अगर रूह से रूह से मुतालिक मालूमात हमें हासिल नहीं होंगी तो हमारी सारी जिंदगी मफरूजा और फ्रिक्शन हवा से गुजर जाएगी।
लोगों को इस तरह मुतवज्जे करना कि मादी वजूद 60 साल 70 साल 50 साल कायम रहता है, बिलाखिर उसे फना होता है। और ये फनाइयत इस उसूल पर है कि जब तक रूह मादी वजूद को सिबादा देती रहती है, मादी वजूद फना तो 60 साल का हो, 100 का हो, 200 का हो जाएगा, लेकिन अगर मादी वजूद को रूह सिभाना न दे, मादी वजूद से रूह अपने रिश्ता मुनकते कर दे, तो आदमी 1 साल का भी मर सकता है, 10 साल का भी मर सकता है, 20 साल का भी मर सकता है। तो इस बात की कोशिश करना कि लोग इस बात को समझ जाए कि मादी वजूद असल नहीं है, असल जो है वो रूह है, और जब असल से वाकिफ हो जाएंगे, रूह से वाकिफ हो जाएंगे, तो रूह से वाकिफियत ही रूहानी सलाहियत है। जब तक आप रूह से वाकिफ नहीं होंगे रूहानी सलाहियत से दीन के साथ साथ लोगों को रूहानी और साइंस रूम हासिल करने की तरकीब देना और लोगों को ये बावर करा देना, यकीन किया था कि जिसमें इंसानी रूह के बगैर रूह अगर है तो जिसमें इंसानी है, रूह अगर नहीं है तो जिसमें इंसानी कुछ नहीं है, बॉडी है, एक राज है जो फिर आपने बिखर कर मट्टी के सजा में तब्दील हो जाती है। पढ़ के सुना दो यार, तुम्हें हर हाल काल में रुआई दशा खुद मत चला रखे भैया। आपकी तरजफी तो नहीं, जब रूहानी कैफियात शामिल हो जाएंगी तो जाहिर है आप वही बातें करेंगे जो रूहानी लोग करते हैं, अल्लाह का तस्करा करेंगे, अल्लाह के रसूल का तस्करा करेंगे, दुनिया की बेसबाती का तस्करा करेंगे, दुनिया को मुसाफिर खाना कहेंगे, ये हमारे शख्स छोटे बड़े का इम्तियाज किए बगैर सलाम में पहले तो नहीं, इसमें जाहिर है सभी जानते हैं कि अब आपका घर है उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 साल के 2 साल के, आपने अस्सलाम वालेकुम जैसे जैसे बड़े होते चले जाएंगे वो खुद बखुद कहेंगे सलाम वालेकुम, सलाम आप सलाम नहीं करेंगे तो भी नहीं करेंगे। आप अपने छोटे बच्चों से अस्सलाम वालेकुम कहें, मुसाफा करें, हाथ मिलाएं, तो 1 साल का बच्चा भी जब कोई आपके घर पर मेहमान आएगा वो खुद ही सलाम वालेकुम करके हाथ मिलाएगा। तो छोटे बड़े का त्याग किए बगैर सलाम में फैल करने का मतलब यह है कि आप सबसे पहले अपने घर से ही काम शुरू करें, शौहर बीवी को अस्सलाम वालेकुम कहे, बीवी शौहर को अस्सलाम वालेकुम कहे, वालदेन बच्चों को अस्सलाम वालेकुम कहे। जैसे कि घर पे दादी है नानी है तो माँ की जिम्मेदारी है, बाप की भी ऊपर ये फर्ज है कि बच्चों को कहे दादी को सलाम करो, दादी को सलाम करो, कोई बुजुर्ग आ गया उनको सलाम करो। उससे ये होगा कि बच्चों के अंदर सलाम करने की यानी दूसरे लोगों की भलाई चाहने की आदत पड़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम आपको ऊपर सलाम दिया, बच्चे को पता नहीं है अस्सलाम वालेकुम क्या, लेकिन वो लाशोरी तौर पर इस बात की प्रैक्टिस कर रहा है कि वो हर आने वाले को हो छोटा हो या बड़ा हो दुआ दे रहा है और उसके लिए दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला उसे सलामत रखे और उसके लिए जो परेशानी है मुसाइब है अल्लाह ताला उसे महफूज रखे। सिलसिले में रहकर आपस में इख्तलाफ से गुरेज करें, अगर सिलसिले में भी इख्तलाफ है तो फिर सिलसिला ही नहीं हुआ, सिलसिले का मतलब ही चेंज करी, सिलसिले माने चेंज करी।
अगर सिलसिले में ये खराब हो गया तो वो तो चीज जुड़ गई। तो सिलसिले में अगर इख्तलाफ पैदा हो जाएगा तो चेन टूट जाएगा। तो सिलसिले में रहकर आपस में इख्तलाफ से गुरेज होने का मतलब यह है कि सिलसिले की चेन बड़ों ने जो बना दी है उसकी हिफाजत की जाए और किसी तरह वो कड़िया एक दूसरे से अलग हो। एक चेन है पांच गज, उसमें कड़ियां हैं। अब उस पांच गज की चेन से आप भैंस भी बांध सकते हैं, उस पांच गज की चेन से आप आदमी को भी बांध सकते हैं, उस पांच गज की चेन से आप किसी को मार भी सकते हैं, डरा भी सकते हैं, धमका भी सकते हैं, उस पांच गज की चेन से आप गट्ठर भी बांध सकते हैं, उस पांच गज की चेन की आप कड़ियां अलग अलग करते हैं। एक कड़ी से आप कुछ नहीं ये कर सकते। तो सिलसिले का मतलब यह है कि एक ऐसा गिरोह, ऐसी जमात या लोगों की ऐसी तंजीम जो हर आदमी एक दूसरे से बंधा हुआ है, इस तरह बंधा हुआ है कि अगर उसको कोई अलग भी करना चाहे तो वो अलग नहीं हो सकता। क्यों नहीं अलग हो सकता? कि अगर एक चेन भी अलग होगी तो पूरी चेन मुतासर हो जाएगी। तो सिलसिले का तो मतलब ही है चेन, ऐसी कड़ियां आपस में मिली हुई कि हर आदमी एक दूसरे बदा है कि उसको फिर कोई खोल नहीं सकता। क्यों नहीं खोल सकता? इसलिए नहीं खोल सकता कि सिलसिले का मतलब यह है कि जितने भी ये लोग कड़ी दर कड़ी चेन बने, इनके मकसद सिर्फ अल्लाह है। ये अल्लाह के लिए कड़ी बने, अल्लाह के लिए चेन बनी। जब ये चेन टूट जाएगी तो अल्लाह के लिए इकट्ठे होने का मकसद हो जाएगा। इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि सिलसिले में जो लोग भी आ गए वो आपकी जंजीर में शामिल हो गए, तो हर कड़ी से जंजीर की ताकत में इजाफा होता है। मसलन दो कड़ियां हैं उससे कुछ नहीं होगा, तीन कड़ियां उससे कुछ नहीं होगा, दस कड़ियां हैं। अब वो इस काबिल हो गई कि आप उसको अगर मेज भी मारे हो सकता है मेज टूट जाए, सौ कड़ियां होगी, दो सौ कड़ियां होगी। अब जितने वो जंजीर तमीर होती चली जाएगी उसी मुनासब से उसकी ताकत होगी, यानी उसमें ताकत भी हो जाएगी, वो एक तंजीम का निशान भी हो जाएगा। और वो ये कि आपकी आपका रोब भी पड़ेगा दूसरे लोगों का कि भाई ये एक ऐसी तंजीम है कि कड़ी दर कड़ी सब आपस में मिले हुए, इनमें अगर इख्तलाफ इख्तलाफ कुछ नहीं, ये कड़ी टूटने वाली नहीं, ये तो फौलाद की तंजीम है। तो सिलसिले में इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह के नाम पे आपने अपने इरादे से अपने इख्तियार से बिना जबरो इकरा जो जंजीर बना ली है वो जंजीर टूटने लगता है। अगर कोई जंजीर कमजोर हो जाए या उसका मुंह खुल जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस कड़ी को आप अलग करते। कड़ी को अलग करना जो है वो नुकसान है, उस कड़ी को आप मजबूत बना दें। मतलब एक कड़ी कमजोर है, आप एक बिजली को डाल दें, उसका मुंह खड़ा हुआ उसका मुंह बंद कर दे, उसको बैर कर दे, तो उससे आंदा जितने भी उसमें कड़ी शामिल होगी वो चेन की मजबूती का सौक करेंगे। रूहानी उस्ताद की हर बात पर बिना चूनू चला अमल करें। इसमें बहुत सारी बातें कुछ लोग कहते हैं कि साहब उस्ताद ये भी कह सकता है कि घर में आग लगा दो किसी के, तो तुम जानते आग लगा दो। उस्ताद ये भी कह सकता है कोई शरीयत के खिलाफ काम करो, या तुम शरीयत के
खिलाफ भी काम करो। मकसद इसका इतना कम नहीं है, इसका मकसद बहुत बड़ा है और बात है वो ये कि जब तक शागिर्द उस जन्म के सिलसिले में जो वो नहीं जानता, अगर चू चरा के बगैर उस्ताद की बात पर अमल नहीं करेगा तो वो एक बेची एक बच्चा बिठा दे और उस्ताद कहता है अली, अगर बच्चा बिना चू चरा अली और बेग के कहने पर अमल नहीं करेगा वो हर किस फायदा नहीं कर सकता। रूहानी उस्ताद जब आपको कुछ पढ़ाता है तो वो ही कुछ पढ़ाता है जो आप नहीं जानते। तो जब आपने किसी रूहानी उस्ताद की शागिर्दगी इख्तियार कर ली तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 3 साल के नर्सरी के बच्चे बन गए। 3 साल नर्सरी का बच्चा अगर चूरू चरा करेगा वो फायदा नहीं। रूहानी उस्ताद की बात पर बिना चूर चरा अमल करने का मकसद यह है कि वो रूहानी उलूम के सिलसिले में सिखाने के सिलसिले में जो कुछ कहे उस पर आप उसी तरह अमल करें जिस तरह 3 साल का बच्चा उस्ताद की ABCD कहने पर अमल करता है। अगर ये नहीं होगा तो आप फिर भेजिए। उसकी मिसाल यह है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, उर्दू थोड़ी बहुत ही मैं लिख लेता हूं। अब मैं किसी उस्ताद के पास गया, उसने कहा ABCD, मैंने अपनी अकल लड़ाई ABCD क्यों हड़ी बेचनी। जब तक उस्ताद की बात पर चू चरा रहेगा मैं ABCD याद नहीं कर सकता, और जब ABCD याद नहीं कर सकते तो बिना चूर चरा अमर का मतलब यह है कि उस्ताद रूहानी उलूम से आपको सिखाए, हिदायत दे, अलिफ कहे, बे कहे, दीम कहे, दाल कहे, तो आप उस पर अमल करें। अगर अमल नहीं करेंगे तो रूहानी उलूम आप सीख सकते। अब ये तो बिल्कुल बड़ों की बात है, सिलसिले में दूषण धन फैलाने, मुनाफत का सबब बने, उसे सिलसिले से खारिज कर देने से ये मेरे ख्याल है आप लोगों को धंधा करनी, ये बड़ों का काम है। मकसद ये है कि अगर किसी शख्स की इतना मुमकिन ना रहे, कोशा जिद्दी हो, उस्ताद का कहना ना माने और सिलसिले से उसकी मुनाफत सिलसिले में कोई रखना पैदा हो तो उसके लिए मजीद खामखा तकना नहीं चाहिए, उससे अपना रिश्ता जो है तोड़ लेना चाहिए। ये आप लोगों का नहीं, बड़े इसको बैठ के फैसला करेंगे भाई मुनाफत क्या है, गन क्या फैलाई, क्या हुआ, किस तरह हुआ, वो जाहिर है। फिर वो सोचेंगे भाई इसकी कोई सलाह हो सकती है, नहीं हो सकती, इसलाह की कोशिश करें, फिर भी वो बात न बने, ऐसी सूरत में फिर दायरे से छुड़ा लीजिए। वो जिक्र और फिक्र की जो तालीम वो हिदायत दी है उन पर पाबंदी से अमल करें। वो भी वही है कि एक उस्ताद खुद भी ABCD पढ़ाता है और घर के लिए होमवर्क भी आपको देता है, तो अगर आप वो होमवर्क न करें, स्कूल में भी काम न करें, वहां पर विषय नहीं पढ़ सकते, किताब नहीं पढ़ सकते, बुढ़ापे में कोताही न करें, बुढ़ापे का मंदिर ऊपर की करें, इससे बच्चे घर में कापियां लेके जाते हैं, अगर घर में वो ABCD या 2 मिनट न लिखे तो जाहिर वो क्लास में दूसरे बच्चे से पीछे रह जाएंगे और नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें यह कि सिलसिले अजीब में हमें किसी दूसरे सिलसिले के फर्द को दाखिल नहीं किया जाता, उसकी वजह भी यही है कि एक बच्चा है, अगर उसको आप
हर तीसरे चौथे महीने इस साल में दो दफा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में दूसरे तीसरे में तीसरे चौथे में दाखिल करते रहे उसका दिल विचार है। फिर वो खुद ही कहेगा मैं वहां पढ़ूंगा, अपने वहां दाखिल कर दिया मुझे वहां पढ़ूंगा, अपने वहां दाखिल कर दिया। उसमें यह है कि सिलसिले आली अजीमिया ने ये बात तय की है कि एक बरस का में जब कोई आदमी दाखिल हो जाए तो उस बरस गा के बंदे को अपनी दरसगाह में दाखिल इसलिए ना करें कि जब उस दरसगाह में नहीं पढ़ सका तो आपकी दरसगाह तय करने वाली बात। और ये पाक सदास्तों ने बनाया हुआ खास। हाँ स्कूल ही बंद हो जाए, उस्ताद ही ना रहे, ऐसी सूरत में फिर ये कि आपके ऊपर ये फर्ज है कि एक बच्चा है तो उस्ताद नहीं रहा, स्कूल बंद हो गया, ऐसी सूरत में दूसरे स्कूल के बच्चे को आप जरूर दाखिल करें और उस पर तवज्जो दें ताकि वो इल्म से महरूम ना रह जाए। कि आपने दायरे से क्या मतलब हुआ कि ये जरूरी है वो गैर जरूरी है सारे ये पहले हो चुके 12, ये 12 हो गए, 10 हो गए, तो 8 नहीं हुए। ठीक है बोलो, हुआ 1, 2 हो गया, 2 हो गए, 3, 6 हो गया, 7, 8 नहीं हुए, 2, 10 हो गए। इस तरह से ऐसी क्या है बैठ हासिल करने के बाद कोई आदमी धीरे से अपनी मर्जी से फरार हासिल नहीं कर सकता, इसलिए बैठ हासिल करने में जल्दबाजी का मुजाहरा न करें। जो सिलसिले में दाखिल होना चाहता है उससे कहा जाए पहले इसकी क्या उधार की उधार जरूरत है, भाई ठीक है मुझे बता दें भाई अगर तुम हमारे सिलसिले में आ गए हो तो ये हमारी मर्जी है कि हम तुम्हारी जान छोड़े तो छूटेगी, तुम नहीं बात सीधी सी बात वो इसलिए फर्ज कीजिए एक साथ उस सिलसिले में रहता है। अब उस साथ में उसकी उपज मेहनत वो भाग जाए तो वो एक साल की मेहनत की गई हुई वो बंद गई, उसने कोई फीस नहीं ली, कोई कुछ नहीं किया, उसने जो अपना वक्त जाया किया एक साल उसको कुछ जाया होता से बेहतर ये कि आपने पहले से कुछ नहीं सोच लिया भाई कि अगर मैं यहाँ फंस गया इन लोगों में कहीं नहीं बनी पहले अच्छी तरह सोच लो, उसके बाद अगर आप दाखिल हो गए फिर ये सिलसिले के जो मजाज लोग हैं ये उनके ऊपर है, वो चाहे छोड़े आप उसमें बड़ी जो मुसीबत खड़ी होती है वो ये होती है कि जब कोई आदमी फरार हासिल करता है और सिलसिले का जिम्मेदार आदमी उसके फरार को कबूल नहीं करता तो ऐसी सूरत में लड़ाई शुरू होती है, यानी मुराद और मुरीद की लड़ाई शुरू हो जाती है। जाहिर है मुराद ज्यादा ताकतवर होता है, ऐसी सूरत में ज्यादातर लोग पागल हो जाते विगत हो जाते, दुनिया के एतबार से बिल्कुल बदहाल मफलों को हार हो जाते। तो ज्यादातर तो यही होता है कि जब कोई आदमी फरार हासिल करता है तो अच्छे साथीदार उसके फरार को कबूल करके उसको जाने देते हैं, इसलिए कि उन्हें पता होता है कि भाई हमारी मेहनत तो तय होगी लेकिन अगर इस मेहनत के पीछे हम पड़ गए तो ये तो पागल ही हो जाएगा, ना हमारे काम का रहेगा ना अपने माँ बाप के काम का रहेगा, चलो दुनिया का काम का तो रहे। लेकिन ये इसलिए शुरू रखी गई है कि वो खेल तमाशा न, दूसरे सिलसिले आलिया अजीमिया को इस बात का हरगिज शौक नहीं है कि 1.5 लाख मुरीद हो जाए, 10 लाख मुरीद हो जाए, 2 लाख मुरीद हो जाए, 50,000 मुरीद हो जाए। ये एक सिलसिला इल्म सिलसिला वो इल्म को सिखाना चाहता है, ये शर्त इसलिए रखी गई है ताकि लोग वही सिलसिले में दाखिल हो जो वाकई रूप सीखना चाहते।
और ये बता दिया गया कि जल्दबाजी का मुताला ना करें, आप अच्छी तरह देख लें। अगर आप समझते हैं कि इस स्कूल में आपकी तालीम हो सकती है, आप स्कूल में दाखिल हो, आप ही समझते हैं इस स्कूल में मेरे पास एक साहब है तो जी मैं बैल बोल रहा था। मैं साहब आप पहले गाँव बैठ देंगे बोला जाएगा। मैं साहब वहां से क्यों आ गया? वो कह रहे हैं जी मैंने कुछ शरीयत के खिलाफ बातें देखी है इसलिए मैं वहां से आ गया। तो मैंने कहा भाई तुम वहां शरीयत सीखने गए थे कि वहां से सीखने गए? कह रहे जी मैं तो वहां से सीखने शरीयत सीखने मौली साहब के पास जाओ मस्जिद में मदरसा इस्लामिया इस्लामी मदरसे बहुत है माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे मदरसे वहां जाके पढ़ो 7-8 साल का कोर्स करो। तो एक सिलसिला रूहानी वो ये कब कह रहा है कि वो शरीयत पा वो शरीयत की मुखालफत भी नहीं करता। शरीयत पर जितना उससे हो सकता खुदा बंदी करता है लेकिन वो शरीयत तो पढ़ा ही नहीं रहा। वो तो रूहानी यानी शरीयत बताती है कि जाहिर आसमान में वजू का ये मतलब है, रोजे का ये मतलब है, पाकी का ये मतलब है, वो पूरी बात का ये मतलब है, वो उसकी तफी नहीं करता। वो कहते ये भी ये भी लेकिन वो ये कहते हैं साथ साथ एक और इल्म है जिसको फातिह रूहानी भी कहते हैं वो हमें अल्लाह ताला ने अता किया। आप वो सीखना चाहें तो हमारे पास आ जाए। तो ये हम ना कभी ये दावा करता है कि रूहानी आदमी की साहब मैं मुफ्ती हूँ, कभी ना ये दावा करता है कि साहब मैं बहुत आदि में दीन हूँ, उसके तो पढ़े ही इधर से ही था। बस औकात ऐसा होता है कि आम जो मुरीदीन होते हैं वो अपने मुर्शिद से ज्यादा शरीफ जानते हैं, ज्यादा उनको मसाइल का होता है। तो ये तो हमने कभी कहा ही नहीं है कि भाई हम शरीयत पढ़ा, हमें शरीयत जो है इतनी ही आती है इतनी जरूरत के मुताबिक हमारे बड़ोदा में बता दी। हमने दस निजाम भी नहीं पढ़ा किसी रूहानी आदमी। तो अब ये जो है कि एक आदमी आया 7-2 साल लगा मैं तो शरीयत के खिलाफ बात देखी जी, क्या बात देखी कि जी वो दाढ़ी एक मुठ तीन उंगल नहीं। भाई तो पहले भी देख लेता भाई ये दाढ़ी एक मुठ तीन उंगल नहीं। तो सिलसिले में ये जो इसमें ये जो खास शिक है कि बैल थोड़ी ही जा सकती है ना फल अपनी मर्जी से फरार हासिल कर सकता है, ये इसलिए है ताकि ये बात नशीर हो कि सिलसिले आलिया अजीमिया के अफराद रूहानी उलूम सिखाने के वजह से इसका मतलब यह नहीं है वो शरीयत की मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं शरीयत मतलब है स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है वहां जाकर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, एक स्कूल में उर्दू पढ़ाई जाती है आप उर्दू पढ़ रहे। अब जिस स्कूल में अंग्रेजी का शोभा ही नहीं है तो वहां आप अंग्रेजी कैसे पढ़ा? तो ये इसलिए भी है कि आप आदमी जब सिलसिले में दाखिल हो अपना भी वक्त जाया ना करे और अपने इस आदमी का भी वक्त जाए। आदमी है कि जिम्मेदार अफजार पर लाजिम है वो किसी को अपना मुरीद बना करे दोस्त के रकम से याद करे, वो भी वही बात है कि बुरी होने में यह मुर्शीद पीर बना ये तो उसमें खास किस्म का एक अदब के एहतराम कुछ ज्यादा ही होता है। अभी अभी आज वीडियो में बात हो रही थी कि बहुत सारी बातें हम इसलिए हम नहीं कर पाते कि हमारे ऊपर अकीदत का एहसास ज्यादा हम ये सोच रहे थे अब बदरान हो जाए कोई यू ना करते बहू ना करते। तो अब ये हमने ये सिलसिले का ये शिक है ही है कि मुरी क्या दोस्त है शागिरत है कोई ज्यादा औलाद है। तो मुरी से चूंकि मुराद और मुरीद जरा मौजूदा दौर में ये है कि उसमें एक तशखुस बड़ाई का कायम होता है मुर्शिद कहने से और मुरीद कहने से ये होता है कि भाई बिकी भी कोई चीज बैत कर लिया जी यानी हम बिक गए
तो ये जो है इसलिए खदर बाबा ने अब्दुल्ला ने इसको पसंद नहीं फरमाते थे, उन्होंने मुरीद की जगह दोस्त का लफ्ज फरमाया कि मुरीद कह दिया जाए और दोस्त में अदब भी होता है, दोस्त में एहतराम भी होता है, दोस्त में इशार और कुर्बानी भी होती है, दोस्त में हंसी मजाक भी होता है, दोस्त में बेतकल्लुफी भी होती है, लेकिन मुरीद और मुराद में बेतकल्लुफी नहीं होती। अब ये एक अदब का ये भी तरीका है जो हमने किताबों में पढ़ा है कि भाई अपने पीर मुर्शिद को देखो भी नहीं, आप उठा वहां बैठ जाओ दुकान होकर आपके को उनके चेहरे पे नजर न पड़े, उनसे बात में तय ना करें, वो खुद बात करें तो कंट्रोल नहीं करो तो ना करो, तो ऐसी सूरत में आप इल्म नहीं अगर कोई बात है आप पूछना चाहते हैं वहां पे तो आपके ऊपर इतना अदब है इतना है कि आप पूछ ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप अपने मुर्शिद को या अपने उस्ताद को महानी उस्ताद को अपना दोस्त हो जाए तो अदब और एहतराम के साथ साथ आपके अंदर बेतकल्लुफी होगी, उस बेतकल्लुफी की बुनियाद पर आप उससे ज्यादा से ज्यादा कुरेद कर उससे उर्म हासिल कर सकते, इसलिए ससुराल या दिल में मुरीद की बजाय दोस्त के रकब से उन्होंने बताया कि या सिलसिले के कोई साहब मजाज गद्दी नशीन होकर ना बैठे, मतलब ये है क्या फिर अगर गद्दी नशीन होकर बैठेगा तो खुद ही मुर्शिद को और मुरीद का चक्कर ना पाओ, ये तो दोस्त रहा नहीं, लेकिन ये है कि वो मुरीद गद्दी पे बिठा देते हैं और मैं कितना भाग दूं फिर भी आप लोग गद्दी जरूर ही बिठा देंगे, आगे आगे गद्दी पीछे पीछे मैं आपको भी गद्दी ना भी गद्दी वहां भी गद्दी, तो ये इसी तरह एक आदमी को एक एहसास पैदा होता है कि कोई बड़ी चीज हो, भाई सारे लोग जो दरियों पर बैठे हुए हैं और जिन्हें मैं गद्दियों पर बैठा हूं, तो उससे एक आदमी के अंदर एक किब्र का, और मैं ये नहीं कहता कि जितने चीज साहबान है उनको भी किब्र होता है, उनका तब इतना होगा उनको नहीं महसूस होता, लेकिन ज्यादा ऊंची कुर्सी हो या क्या कहते हैं गद्दी हो गद्दा हो लिहाफ हो कुछ हो, अगर वो अवाम के सामने या अवाम के मजबे में कोई इम्तियाजी चीज होती तो आदमी को खुद एहसास हो तो दूसरों को एहसास होता है तो वो है दीसा वो इसलिए गद्दी का बैठे, तो हुजूर फरमाते हैं कि ये गद्दी नशीनी है ना ये है क्योंकि आदमी के अंदर बड़ाई का ख्याल आ सकता है, शैतान वसवसा डाल सकता है, इसलिए गद्दी नशीन न हो बल्कि अवाम की तरह जिस तरह जहां अवाम बैठे वहां उस्ताद भी आगे बैठ जाए। अब ये कि उस्ताद पढ़ा रहा है, अब जैसे अब मैं यहां बैठा हूं वैसे उस्ताद के आपको पढ़ा रहा हूं, तो जाहिर है अगर वहां बीच में जाकर बैठ लू तो पढ़ा नहीं सकता, ये बात बिल्कुल अलग है। ये भी हो सकता है जैसे अब मैं फर्श पे थोड़ी देर बैठ जाता हूँ मेरे पट्टे खींच जाते हैं के हिसाब से घुटनों में दर्द हो जाता है, अब अगर वो वहां थोड़ी सी तय करके बिठा दिया जाए तो उसका मन मंशा गंदी नहीं होता, वो एक मजबूरी है वो उसकी उसकी दाद है। जितने नौ इंसानी के अफराद हैं वो आपस में बहन भाई है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है, अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक बड़ाई उसको जब देती है जो अल्लाह ताला के इरफान रखता हो, जो अपने बाजू से वाकिफ हो अपनी रूह से वाकिफ हो जिसके अंदर अल्लाह के औसाफ का अक्स नजर आता हो, जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता हो उसकी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचती हो, वो आदमी जो है वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है और आवाम के लिए भी अच्छा है। यानी इसका मतलब ये है कि सिलसिला आलिया अजीम या अपने हर फर्द को इस तरह तवज्जो देनी चाहिए कि उसे अपना इरफान हासिल अल्लाह का इरफान हासिल,
और वो इरफान इतना ज्यादा हासिल हो कि उसका अक्स भी झलकता हो, लोग उसे उसको देख के, लोगों को देख के अल्लाह याद आ। कंदर बाबा ने फरमाया कि भाई किसी आदमी की शनाख्त केवल अल्लाह वाला है यह है कि आप उसके पास 15 मिनट बैठे, ये सुन के साथ बिना तनकीद और तबसरा के, अगर आपका जहन 12 मिनट तक अल्लाह की तरफ रहता है तो उसके अंदर अल्लाह की सिफात बनी है। 12 मिनट तक आपका जहन इसलिए मरकूज रहा उसकी जात में कि उसके अंदर अल्लाह बसता है। 3 मिनट की रियायत इसलिए है कि बशरी तकाजों के तहत वो भी बशर है, वो भी कोई दुनियावी बात कर सकता है। शक को दिल में जगह ना दें, शक ऐसी चीज है कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, शक शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। तो जिस फर्द में, जिस आदमी में शक होगा वो इस बात का यकीन कर दे कि वो आरिफ नहीं हो सकता, आरिफ नहीं हो सकता। अजीमिया के हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो जिस तरह भी मुमकिन हो शख्स से आजाद होकर यकीन की दुनिया को। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये किताब उन लोगों को हिदायत देती है जिनके अंदर शक नहीं हो, इसलिए इस किताब में शक शुबा है ही। तो कुरान पाक से इस्तफादा करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात से मुस्तफीद होने के लिए, अंबिया अलैहिस्सलाम सलाम की तर्ज फिक्र हासिल करने के लिए अमर लाजिम है कि आदमी के अंदर यकीन का पैटर्न मौजूद हो। अगर आदमी के अंदर यकीन का पैटर्न मौजूद नहीं होगा तो वो कुछ भी कर ले सैयदना सलाम की तालीमा से आवास्ता नहीं। तो शक को दिल में जगाना दे कि शख्स के दिल में शक होगा वारिफ नहीं हो सकता, इसलिए कि शक शैतान का सबसे बड़ा हथियार है जिसके जरिए वो आदम को अपने बातिन से दूर। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे कि शक उससे आजाद हो जाए। अभी भी शक है, किसी ने कहते हैं जादू कर दिया, किसी ने कहते हैं टोना कर दिया, ये टोना जादू किसी ने कहा उसने यूं कर दिया, उसने यूं कर दिया, ये सब शक। इसका तरीका बहुत आसान ये है कि अगर आप किसी के बारे में आपके दिल में शक पैदा हो तो उस शक को परवान न चढ़ा, उस बंदे से बराहरात बात करके सफाई कर दे। हमें ये शक है कि आप हमारे लिए बुरा सफा, हमें ये शक है कि आपने हमारे लिए ये कहा, हमें किसी ने यह बताया कि आप हमारी बुराई कर रहे थे। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि किसी के कहने पर यकीन ना, शक ना, बात की सफाई। और ये आपके उसमें है कि आपको किसी से तकलीफ हो जाए, पहुंच जाए तो उसको माफ, उससे माफी मांग ले, किसी से आपको तकलीफ हो जाए उसे माफ कर दे, ये भी उसी की एक शक है। बुनियादी बात यह है कि रूहानियत सीखने के लिए यकीन का होना, जितना यकीन आदमी के अंदर पुख्ता होता चला जाता है उसी मुनासबत से इंसान के अंदर रूहानी सलाहियतें बेदार भी होती है और उनमें इजाफा भी होता है। आप सब बहुत शुक्रिया, आप खुशी बन रहे तो दायरे में नहीं जी।
तमाम तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मुर्शिद करीम के खिताब में हुजूर ने जिन पॉइंट्स पे एक्सप्लेन किया है उन पर आपके जहनों में जो सवालात उभरे हों, सवालात आप करने चाहें तो एक एक करके वो हुजूर मुर्शिद करीम से आप पूछ सकते हैं। ये वक्फे सवालात हैं, आप सवालात कीजिए। असल में यकीन की जो तारीफ है वो ये है कि हर आदमी के अंदर जमीर काम करता है, यूं कहिए हर आदमी के अंदर एक नूर काम करता है, यूं कहिए कि हर आदमी के अंदर रूह मौजूद है। किसी एक बात के लिए अगर आदमी के जमीर ये बात आ जाए कि ये बात सही है और उसके साथ साथ उसके अंदर जो उसका रूह है वो भी उसका रहनुमाई करे, इसका नाम यकीन। दूसरी बात, यकीन का मतलब मुशाहदा है। ये यकीन की तारीफ यह है कि जो चीज आपको मालूम हुई उसका मुशाहदा भी हो। अगर वो मुशाहदा के तौर पर कोई चीज आपके सामने आ गई तो ठीक है, वरना वही चीज। मतलब एक आदमी ने आपसे कहा कि फला आदमी आपको गाली दे रहा था, अब उसकी सूरत यह कि आप उस आदमी से मिले, रोके भाई मुझे फला आदमी ने कहा कि तुमने मुझे गाली दी है, नहीं मैं बिल्कुल गाली नहीं दी। तो अब ये उसने जब ये कह दिया कि नहीं बिल्कुल गाली नहीं दी, ये मुशाहदा की बात। अब आपको ये चाहिए कि अब आप उस आदमी का एतबार करें कि जो ये कहता है कि मैंने गाली दी थी, वो कहता हाँ मैंने आपको गाली दी थी। भाई क्यों दी थी? इसलिए दी थी। अच्छा भाई ये तो बात आप गलत है, मैंने तो ऐसा आपके लिए कहा ही नहीं, तो ये भी एक मुशाहदा की बात। अब आप उसकी बात का यकीन करें तो दोनों लोग जो है यकीन के दायरे में शामिल। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि ये किताब हमने नाजिल की, इसमें किसी किस्म के शक शुबे की गुंजाइश नहीं है और ये किताब उन लोगों को हिदायत बख्शती है जो मुत्तकीन वो मुत्तकी कौन लोग हैं जो गैब के गैब पर यकीन है। गैब पर यकीन रखने का मतलब यह है कि गैब उनके चूंकि मुशाहदे में आ जाता है इसलिए वो उनके अंदर से छू चरा नहीं करता। बदल एक फरिश्ते को आपने देख लिया 50,000 यूनिट नहीं देखा, तो जब आप ये बताएंगे कि फरिश्ता ऐसा है तो 50,000 में से हो सकता है 45 कहेंगे आप तो गलत कह रहे हैं, ऐसा तो फरिश्ता हो ही नहीं सकता। आप कह रहे हैं भाई तुम भी ठीक कहते हो, चूंकि तुमने नहीं देखा तुम इसलिए कह रहे हो, लेकिन मैंने जो देखा मैं चूंकि देख चुका हूँ इसलिए आपको 50,000 अगर 10,000 आदमी होंगे मैं यही कहूंगा। यकीन का मतलब यह कि इंसान का जमीर मलामत न करे। अगर इंसान का जमीर मलामत कर रहा है इसका मतलब यह है कि वो चीज यकीन के दायरे में है कि वो चीज खराब है। अगर इंसान का जमीर मुतमईन है, पुरसुकून है, आपको यकीन फराहम कर रहा है तो फिर कोई नहीं। असल बात तो यह है कि यकीन मुश्तक है ईमान से। ईमान का मतलब है मुशाहदा। अब ये में आपने पढ़ा होगा ईमुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन, उसकी भी ये किस्में बना दी। ईमुल यकीन तो ये कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है,
हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह कहते हैं, ये हमके मूल यकीन की बुनियाद पर है। इसमें ना ऐनुल यकीन है ना कुल यकीन है, इसलिए हमने अपने आप से उनको देखा नहीं। लेकिन अगर कोई बंदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेता है और वो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह, हम ये कहेंगे कि इसका यकीन मुशाहिदाती है। ये जो कह रहा है कि मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो जब हमने देखा ही नहीं तो हम गवाही किस बात की दे रहे हैं? तो ये गवाही कि हमने देखा नहीं सुने सुनाई बात है, इसको इल्मुल यकीन कहा जाता है। ये गवाही कि एक बंदे ने इल्मुल यकीन के साथ हुजूर की गवाही दी, रिसालत दी, उसी बंदे ने देखकर यकीन की बुनियाद पर हुजूर की गवाही दी, तो जाहिर है उन दोनों बंदों में वो बंदा अफजल है जिसने आंख से देखे, यानी आंख देखा यकीन, सुना यकीन, दोनों अफजल। तो यकीन से मुराद ये है कि वो चीज बेहतर तरीका, तो यकीन का ये है कि वो चीज मुशाहदे का, दूसरा तरीका ये कि आपका जमीर उससे मुतमईन हो, शक में जमीर कभी भी मुतमईन नहीं होता, खराश होती है शक में। बस समझिए जब आदमी के अंदर वसवसा आता है, आदमी का जहन बोझल हो जाता है, परेशान हो जाता है, नींद उड़ जाती है, भूख उड़ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ये होता है। यकीन की दुनिया में अगर हाई ब्लड प्रेशर भी होगा तो वो ठीक हो जाएगा, से बेयकीन से ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। लेकिन अगर आप यकीन की दुनिया में चले जाए और आपका हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक है तो होता है, आपने समझाया कि इंसान में सलाहियत है कि जैसे आपने महबूब की मिसाल दी, दोस्त की दी या अकाउंटेंट की दी, तो उस सलाहियत को हम नमाज में, रोजे में या दूसरी जो हमारी जो वो रास्ते जो अल्लाह के लिए पसंदीदा है उनकी तरफ कैसे काम कर सकते हैं या सलाहियत को? बात यकीन की है, लेकिन अगर आपको इस बात का यकीन है कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ, आपका जहन इधर उधर नहीं जाएगा, आपका जहन इसलिए इधर उधर नहीं जाता कि आपको इस बात का यकीन है कि अगर मेरा जहन इधर उधर हो गया, मुंतशिर हो गया, हिसाब गलत हो गया, तो मुझे मुलाकात से निकाल दिया जाएगा और मुझे कहीं मुलाकात नहीं मिलेगी, इसलिए आपको वो ख्याल किया। तो ये ख्याल अगर अल्लाह के साथ हो जाए कि भाई अल्लाह के लिए अब खड़े हैं, अगर अल्लाह ताला हमें रोटी बंद कर दे, हमारा सांस बंद कर दे, हवा बंद कर दे, तो देखिए कैसे नमाज में इधर उधर ख्याल आ जाता है। बात यह कि अल्लाह के बारे में जो कुछ कहते हैं वो जुबानी जमा खर्च उसमें ज्यादा होता है, उसमें हमारे जो अंदरूनी वारदात होते हैं वो दुनियावी एतबार से मुस्तहकम होती है अल्लाह के साथ। अकाउंटेंसी में हमारा जहन इसलिए इधर नहीं जाता कि हमें यकीन है कि हमारी मुलाकात खराब है, बस अगर अल्लाह के ऊपर भी इतने यकीन हो जाए जितना आपको मुलाकात में यकीन है, तो कभी आपको नमाज में कोई अल्लाह के अलावा दूसरा ख्याल। और इसके लिए फिर ये प्रैक्टिस है, मुराकबा कराना, ये जो कुछ आप कर रहे हैं इतने सालों से, ये इसी की प्रैक्टिस और कोशिश है कि किसी तरह यकीन का पैटर्न जो है वो मुस्तहकम है। हाँ जी, और आपने फरमाया कि फिर मर्शिद की बात है बिना सुचना अमल करना, लेकिन देखा गया कि शौर की कमजोरी इतनी होती है कि बहुत ज्यादा मुलाहमत करता है, अगर फर्ज किया कोई बात पूछता है मर्शिद से तो उस पर अमल करने में बहुत डिले करता है, तो आया इस चीज को किस तरह पसंद
नहीं तो कोशिश करें आप जितनी कोशिश हो सके ना। बच्चा जब वहाँ स्कूल में जाता है वो एक साल में पूरे एक साल में 365 दिनों में छुट्टियां निकाल के वो ABCD याद करता है या 100 तक गिनती याद करता है। इसी सूरत से अगर आप किसी रूहानी उस्ताद से कुछ पूछते हैं शायद उसमें एक साल तो लगाए छवाई तो लगाए। बच्चा बार बार ABCD एक दम में थोड़ी याद करता साल भर तक बार बार तो रहा है। क्या तरीका क्या कहना है क्या प्रैक्टिस की है इस सिलसिले में आपने जो जवाब दिया था उसका आपने ये फरमाया था कि कुछ दे करीम की जिंदगी का आदत और अतवार का मुताला किया जाए उनमें जज्ब होने की कोशिश की जाए उनकी दात में और उनकी जिंदगी है बड़ी है एक साल मुर्शिद की दात में गहर जो भी सवाल है उनकी दात में जज्ब होने मुर्शिद कोई पानी थोड़ी के उसमें आप चीनी बन के घुल जाएंगे शंकर बन जाएगा। फिर जज होने का मतलब ये होता है कि मुर्शिद की जो तस्वीर है आप उसको ज्यादा से ज्यादा अपना लें। मुर्शिद की तस्वीर जितनी ज्यादा अपना ली जाएगी उतने आपके अंदर जज होना जज होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि मुर्शिद के दांत में आप जज हो गए पता ही नहीं चला कि मुर्शिद डर गया और मुर्शिद डर गया उसकी फिक्र आपके अंदर आपकी गुफ्तगू से आपकी बात से आपके रख रखाव से मुर्शिद का असर आया। मुर्शिद गुस्सा नहीं करता आप गुस्सा ना करें मुर्शिद लोगों का काम आता है आप लोगों का काम आए मुर्शिद रूहानी तर्ज में जिंदगी गुजारता है मुर्शिद मोहब्बत करता है लोगों से लोगों का काम आता है आप लोगों का काम आए जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे मुर्शिद की तस्वीर आपके अंदर उत्पन्न होगी। और क्या इसके अलावा क्या हो सकता है ये होगा कि आप इससे मोहब्बत करेंगे उसके आदत अथवा खुद ही अख्तियार करा शक्लें बदल जाती है लोगों की यानी इतनी मोहब्बत होती है बात बर्बाद हो दो हम शक्लें एक हो जाती है ऐसे ही दुनियादारी में हम इतनी दुनियादारी में बात हो इतनी मोहब्बत होती है कि छोटा भाई बड़ा भाई लग जाता है लोग देखे कहते हैं अच्छा उनके भाई हालांकि कोई रिश्ता नहीं कर बस ताल्लुक होता है मोहब्बत होती है आम बात है। बिल्ली से आप मोहब्बत करें तो बिल्ली के खसाइल आपके अंदर पैदा हो जाते हैं कुत्ते से मोहब्बत करें कुत्ते के खसाइल पैदा हो जाते हैं। इंसान तो दो इंसान आपस में मोहब्बत करेंगे आपस में और उसकी जो बातें हैं उन्हें अपनाएंगे अच्छी बात बुरी बातों को नजर ऐसा तो कोई आदमी मुकम्मल तो होता नहीं बुराई सब तो आपका काम यह है कि आप जिस आदमी को फॉलो कर उसकी अच्छी बातों को ज्यादा ज्यादा उसकी अच्छी बातों को अपनाए उनको नम्र करें आहिस्ता आहिस्ता वो सारी कर दे जो उसके अंदर अच्छी है। कुर्सी जो कहे चुनो चला अमर करो भजन कुर्सी कर दे जी रोज मुरामा किया करो। अब आपने घंटेदार मुरामा शुरू किया तो भी चुनो चला अमर तो नहीं हुआ कोशिश करता है कि कसर से चलते फिरते उठते बैठते उसू पे उसू या हाइयो या तैयो का बीट करो। अब इस तरह दिन में एक ग्राहक बोलते हो भाई हाइयो या तैयो पढ़ सकते हैं अगर कोई पढ़ना चाहे मान लो 10 साल में आपने 10,000 भी नहीं पढ़ा ये तो अमन नहीं होने चाहिए। और ये इतने लोग यहाँ बैठे बताइए कितना आप इंसाफ से कहिए कि आप
या हयो या क्यों सही तरह पढ़ते क्या बोलूंगा, कुछ भी जरूरत ना इसमें। अब वो कहता है उसका कहता है गुसल भी ना करो, चलो कपड़े भी पाक साफ न हो, खाना भी खाते रहो, सफर भी करते रहो, या हयो या क्यों, दुनिया भर में बातें करते रहेंगे या हयो या क्यों भी नहीं पड़ेगी, कहा बोलो कैसे मुर्शिद की तरह से फिक्र आपके अंदर होगा। आप तो इतना आसान काम नहीं कर सकते हैं जो जिसमें कोई वुज़ू नहीं है, कोई मुसल्ला नहीं है, कोई जगह का तायुन नहीं है, गुसल का कोई तायुन नहीं है, हाथ मुंह धोने का तायुन नहीं है, आप वो भी नहीं कर सक रहे, तो आप क्या करेंगे, क्या सीखेंगे। अभी ये भी जितना आप करेंगे इतनी तरफ आपको मुंतजर हो जाएगी, वो दर्जे भी कर रही है 100 यूनिट आपको मुंतजर होनी चाहिए, मरने से पहले 5-10 तो हो ही जाएंगे, चलो वो भी काम नाम तो आ गया ना। लेकिन बात ये है कि अगर आप सब लोग गौर करें तो मुर्शिद की तादी मुर्शिद नहीं का जब आएगी आप ताने करेंगे। अभी आप यहाँ से सांगर से और चक्कर से और कहाँ से आप लोग आ गए सुनने, बड़ी अच्छी अच्छी बात हुई, मैंने भी सुनाई, आपने भी सुनी, आप भी जागे मैं भी जागे, लेकिन अब बुनियादी सबक सिलसिले आए अजीब में कहीं आई हो या नहीं मैं जरूर यकीन में बता, जब वही नहीं होगा तो आप बातिन में कुछ नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल आपको आ जाएगा। जैसे आपने हाई स्कूल में जाते हैं मैट्रिक के सर्टिफिकेट ले लेते हैं, यहाँ भी मदरसे के बाद आप सर्टिफिकेट ले लेंगे, आप ये नहीं होंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। जहाँ तक बातिन का ताल्लुक है, बातिन के ताल्लुक तो वही रिजल्ट हो जा रहा। अब पिछले जमाने के लोगों को आप देख रहे हैं 40-40 दिन के रोजे बगैर सहरी के, कुएं में अंदर जाके इबादतें, 22 साल खालका का पानी भरा, खाजा गरीब नवाज अंदर भी रोशन बड़े 30 साल जितने भी बुजुर्ग हैं आप उन्हें देखे। मैं बहुत छोटा सा हकीर फकीर आदमी हूँ, मैंने भी अपने पीरो मुशीद की जिंदत में 16 साल शुक्र गुजार। आप वो आयु या कहीं ना पढ़ सके, बुढ़ापे में दावा करते रहे, क्या क्या सही होगा कि आपको नॉलेज आ नॉलेज बिल्कुल अलग चीज है। मुझे एक सवाल, आदमी को आशिक है तो इश्क इलाही भाई अल्लाह ताला तक काम पहुंच गया, अभी तो बंदे से तो निकलो भाई, कोशिश से तो आगे बढ़ो, इश्क इलाही में काम पहुंच गया, अभी तो मुर्शिद तक तो पहुंचो, इश्क इलाही कहां से भड़क जाएगी, तो बात भी नहीं इलाही से बात रखनी तो इश्क कहां से बात है भाई। एक आदमी एक आप किसी लड़की से इश्क करते हैं और उससे बात भी नहीं इश्क करने का, जब कोई लड़की किसी लड़के से इश्क करना चाहती वो बात भी नहीं इस दुनिया में मौजूद ही नहीं उससे इश्क करने का, इश्क इलाही कहां बात है आप इलाही कैसे करेंगे, जमीन में रहे हो यार अभी अश्विन। जमीर के हवाले से बात हो रही थी कि जब हम कोई काम करते हैं और अगर कोई खलीफ महसूस ना करें तो इसका मतलब है कि हम जमीर की पैरवी कर रहे हैं। अगर हम कोई काम अंजाम देते हैं और उसके नतीजे में हमें कोई खलीफ महसूस नहीं होती है, इत्मीनान महसूस करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जमीर की आवाज़ के रोशनी में हमने किया। जी सूरत ये कि एक आदमी जब शराब पीता है तो पहली दफा जमीर से मलामत करता, दूसरी दफे मलामत इसमें भी मुलाम, फिर जमीन खामोश हो जाता है
उसका मतलब थोड़े कि हमने शराब पीते हमें तो सुकून मिलता है ना मिलता है ज्यादा, ये तो ठीक काम है। ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो जमीर क्या मुर्दा हो गया, खामोश हो गया, या वो क्यों नहीं बरामद कर रहा। अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुताबिक कोई काम है और आपका जमीर मुतमईन है तो काम सही है। अगर वो शैतान से मुताल्लिक काम है, आपका जमीर मुतमईन नहीं है, जमीर खामोश हो गया, तो बहुत खतरनाक चीज है। जो लोग इस पर नहीं करते हैं तुम्हें खरीद थोड़ी करता है, शुरू शुरू में करता है। कोई भी काम आप करें, जमीर कुछ हद तक आपको मिलावट करता है। जब आप वजीर का कहना मानते नहीं मतलब थोड़े क्या मुतमिन हो। अभी भी तो देखना पड़ेगा कि एक आदमी शराब पी के मुतमिन है, हम उसे कहते कह देंगे ये काम ठीक कर रहा है। क्यों भाई? और एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ के भी मुतमिन नहीं है, उसे हम क्या कह देंगे भाई ये काम तो नहीं कहेंगे गलत काम। ये कहने के लिए ये काम जो है जिस तरह करना चाहिए उस तरह नहीं किया।